ये देखो बंदर यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं और इसको देखो कितना प्रेशर लगा रहा है। ये देखो एकदम खात में है उनके। ये देखो फाइनली सारे लोग अपना सब सामान लेके कैसे जा रहे हैं, टाली पे उठा के लेके जा रहे हैं, सब प्लान वगैरह जो भी चीज बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ गया। हाँ पहले निकला नो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरपीएन ब्लॉग। अभी आज बहुत जल्दी सुबह ब्लॉग शुरू कर दिया, अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ तो जॉय को बाहर खोलता हूँ, जाके फ्रेश होके आएगा, वेट कर रहा है मेरा ही। बॉय तो गया बाहर घूमने के लिए, जाएगा फ्रेश होके आ जाएगा। और ये रहा जॉय, इसका भी मन कर रहा है बाहर जाने का, पर इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ, इसको तो मुझे लिस्ट में लेके जाना पड़ेगा घुमाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने देता हूँ, सुबह सुबह हो रहा है, थोड़ी देर में आएंगे, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे और फ्रेश करा के भी लेके आएंगे। जो मेरा वेट कर रहा है कि जब मैं आऊँगा पीछे से तब जाएगा। तभी पूरी सफाई कर दी गई, देखो पूरा पसीना आ गया। सुबह सुबह क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है डॉग्स के लिए, जो यहाँ रहते हैं तो सब क्लीन करना पड़ता है। मेनली जो नीम का पत्ता वगैरह गिरता है ना तो उससे गंदा हो जाता है। तो ये देखो पूरा अभी जो सफाई किया है, पूरा उधर रोलेस के पास भी, इधर जो है के पास भी, देखो कितना क्लीन लग रहा है सब। बहुत बढ़िया, अच्छे से कर दिया सब कुछ एकदम क्लीन। अब चलता हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आऊंगा, उसके बाद रोलेस की थोड़ी सी ट्रेनिंग कराएंगे, तब तक जॉय भी आ जाएगा फ्रेश होके। जॉय भी आ गया फ्रेश होके, इसको अंदर ही डालता हूँ। चल चल अंदर, चल 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 चल, ये बाहर जाता है तो रोलेक्स भी परेशान हो जाता है। चलो आ गया फ्रेश वगैरह होके, अब यहीं बैठेगा आराम से ये भी। तब तक आऊँगा मैं भी घर से, थोड़ा ब्रश वगैरह करके आ जाऊँगी, ब्रश भी नहीं किया मैंने। रुको जरा, सबर करो। तभी डॉग से खाने का टाइम हो गया गाइस। ये देखो जॉय कैसे पूछ हिला रहा है, आलसी की तरह लेटा हुआ है, आधे नींद में आधे जगा हुआ है। देता हूँ खाना पहले रोलेक्स को, नहीं तो एग्रेशन करने लगेगा, उसके बाद जॉय को देंगे। A few inches later. तो गाइस जो बताया था मैंने पुराने वाले ब्लॉग में कि जो लोगों का घर टूट रहा है, वहाँ पे जो मेरे द्वार पे आके सामान वगैरह रख रहे थे, जहाँ रोलेक्स और जॉय रहते हैं, देखो सारा घर टूट रहा है। नदी कितने पास में आ गई है, सबका घर टूटना शुरू हो गया। इधर देखो नए नए घर बने थे, सब टूट रहे हैं धीरे धीरे। देखो लोग अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं मजबूरी में, क्या करेंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखो इधर सारा घर एकदम सब खत्म हो गया है। देखो नदी, देखो यहाँ पे बह रही है, कितनी तेज बह रही है। देखो एकदम मकान, यहाँ पे दो दो फ्लोर के मकान थे, सारे टूट गए। सब लोग अपना अपना तोड़ के जाके उधर शेल्टर बना रहे हैं, रह रहे हैं। देखो अभी भी घर तोड़ रहे हैं वहाँ पे, देखो अपना घर खुद ही तोड़ रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ से देखो बहुत जल्दी कटान हो रहा है, यहाँ से देखो घंटों में 100 मीटर 150 मीटर तक कट जा रहा है पूरा, मतलब 24 घंटे में बहुत ज़्यादा दूर तक कटान हो रहा है यहाँ से लेकर पूरा। सब लोग यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या थी, कम से कम 100-200 घर थे, सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो पानी, देखो कितना तेज चल रहा है, ये दुतला मकान है। देखो यहाँ से कटान हो रहा है एकदम, परत कैसे फट रही है यहाँ से, देखो सब वहाँ से गिरते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे नल था, बहुत सारे नल थे, सारे टूट गए वहाँ से। ये देखो खतरनाक नजारा है, देख के बहुत डर लग रहा है। देखो सारे घर कैसे तोड़े गए हैं, नींव से ईंटें, जितना भी बचाना चाहते हैं लोग, जो भी बच जाए, जो भी काम का हो निकल जाए, बाकी सब तो जाना ही है। सब अपना अपना तोड़ के, जो भी बचने वाली चीज़ें हैं, बचाने वाली चीज़ें हैं, सब अपना ले लेके यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे भी बहुत सारे खेत थे गाइस, मतलब 15-20 बीघे थे मेरे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा होता है। उधर वहाँ देखो वो जो काली वाली दिख रही है थोड़ी सी, उधर सारा मेरा खेत उधर ही चला गया है। तो लाखों नहीं करोड़ों की बर्बादी हुई है। खुद लोग अपना सब सामान लेके कैसे जा रहे हैं, टाली पे उठा के लेके जा रहे हैं, सब प्लान वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो बच सकती हैं बचा लो, काम आएंगे आगे जाके, सब उठा के लेके जा रहे हैं। इधर यहाँ से कटान और बढ़ रही है, वहाँ से अंदर घुस रहा है पानी। इधर कैटल्स भी बहुत सारे, गाय भैंस बकरियाँ। A few inches later. तो फाइनली शाम हो गई गाइस, और देखा ही था दिन भर वहाँ चले गए थे जहाँ पे कटान हो रही है, जहाँ पे बाढ़ आई है, सारे लोग घर टूट रहे हैं। वहाँ से आया तो थोड़ा सा सो गया था, बहुत ज़्यादा धूप लग गया, और उसके बाद चला गया ये अपना स्पेक्स लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा मेरा स्पेक्स में प्रॉब्लम हो गया था, लेंस में प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी लेके आया वो, अभी जाके टाइम मिला है। और रोलेक्स अपना खाना पूरा गिरा दिया है, खाया भी नहीं है। ये देखो कैसे सो रहे हैं आराम से, जो कभी भी अपना खाना वेस्ट नहीं करता है, इसकी सबसे अच्छी आदत मुझे यही लगती है। कुछ भी दे दो, नॉर्मल भी खाना दे दो, अभी सावन चल रहा है तो इनके लिए कुछ नॉनवेज वगैरह ना हम खाते हैं, ना डॉग्स के लिए भी नहीं अवेलेबल करा पाते हैं। बात तो सही है, तो अभी नॉर्मल दही वगैरह जो भी देते हैं वो भी अच्छे से खा लेता है जॉय, लेकिन उसको तो खाने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो खाना वहाँ पे अपना गिराया हुआ है, उसको दही और दिया था, दही और बाड़ी दिया था, थोड़ा सा रोटी दिया था, खाया नहीं है, देखो वहाँ पे वेस्ट किया है। देख के बहुत गुस्सा आता है,
और जो ने अपना पूरा खाना फिनिश किया है। तो जो को ऐसे ही सोने देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और रोलेक्स को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाएगा। अब ये इसके जो बाल उड़े हुए थे गाइज, वो अब ठीक हो रहे हैं, जो मैंने दवा चलाई थी उससे आराम है, काफ़ी आराम है। देखो अब इसकी स्किन धीरे धीरे सही हो रही है, अच्छा लग रहा है, बात तो सही है। अरे राजू अभी जग गया हमको लेके जाते हुए देख के, तो अभी इसको नहीं खोलूंगा, दोनों को साथ लेके नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि आज मेरा दोस्त भी कोई साथ में नहीं है, मैं अकेले हूँ खुद ही। तो रोलेस को थोड़ा सा लेके आता हूँ घुमा के, फिर जॉय को अनलिस्ट कर दूंगा, ये खुद ही घूम के आ जाएगा बेचारा, अभी तो जस्ट सो के उठा है, तब तक कंगड़ाई लेने देता हूँ इसको और इसको लेके चलता हूँ। ये देखो बंदर यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं, और इसको देखो कितना प्रेशर लगा रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो एकदम खात में है उनके, ये देखो फाइनली सारे भग गए इसको देख के, देखो 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 कैसे कर रहा है, ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो ये देखो हाँ, दो दिन से बंदर ही बंदर मिल रहे हैं इसको, इसको लेके चलता हूँ आगे ही, उधर बंदर नहीं है, इधर रहेगा तो परेशान करेगा सब तरह का। हाँ ये बच्चा बोल रहा है जॉय को लेके क्यों नहीं आया, वो उन लोग के साथ खेलता है ना तो पूछ रहा है, लेके आए उकरा के बोल रहा है लेके आओ। ये देखो इसको फिर बंदर दिख गया वहाँ पे, इसे देखो क्या कर रहा है, ये देखो इससे सब डरते हैं बच्चे रोलेक्स से, जो ऐसे सब फ्रेंडली है ना। देखो ये बिस्किट खा रहा है, इसको बोल रहा हूँ दे थोड़ा रोलेक्स को, देखता हूँ देता है कि नहीं, दे दो थोड़ा इसको, इसको इसको दे दो, इसको खिलाओ थोड़ा सा बिस्किट, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मैं पकड़ा हुआ हूँ, हाँ वहीं पर रख दो, वहीं पर रख दो, लो 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 लो, फाइनली खा लिया बिस्किट इसने। इधर रोलेक्स को लेके आए हैं, उधर जो है पूरा भौंक रहा है, इसको अनलिस्ट कर देता गाइस, लेकिन इसकी पूरी निगाह पूरी नज़र बंदरों पर है, जाके पंगा कर देगा, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इधर कोई बकरिया वकरिया नहीं है, इधर कोई नहीं है, खाली है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकता क्योंकि इधर ही बंदर बैठे हैं, कहीं जाके पकड़ उगड़ लेगा बेचारों को, परेशान हो जाएंगे। तो इसको लेके ही चलता हूँ गाइस, फ्रेश एन अप हो ही गया, और जो कभी से भौंक रहा है तो ले चल के और उसको भी अनलिस्ट करता हूँ, शायद उसको भी लगी होगी इसीलिए भौंक रहा है बेचारा। ये देखो कैसे चल रहा है, इधर देख रहा है कि कोई डॉग मिल जाए, इधर देख रहा है कोई बंदर मिल जाए, ये देखो भौंकते भौंकते पूरा मुँह से गाज वगैरह निकाल के इधर देखो क्या हो गया थोड़ी देर में, इसको लगा जैसे हम इसको छोड़ के चले गए इसीलिए ऐसे भौंक रहा था। अब इसको अनलिस्ट करता हूँ, थोड़ी देर में भी बाहर से फ्रेश होके आ जाएगा। रोलेक्स का तो हो गया, आज ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 15 मिनट टाइम दिया हूँ इसको घुमा के, और सुबह में भी ले गया था थोड़ा सा, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसको तो अभी बंदर ही दिख रहा है, देखो चारों ओर बंदर बंदर बंदर, चारों ओर इसको बंदर ही दिख रहा है। तो अब जो इसको अनलिस्ट कर देता हूँ, ये भी बेचारा थोड़ा सा घूम के आ जाएगा, देखो गया ये, कौन है कौतर सो है गे वो नारा भाई, इन लोग बोल रहे हैं कि जो बाघ को हरा देगा कि नहीं, YouTube पे सब फाल्स वीडियो सब चढ़ाते रहते हैं, वही बच्चे देखते हैं उसकी वजह से बोल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ गया। हाँ पहले बार निकला निकला, नो नो आराम से निकाला, हम पहले बार कौन दिक्कत नहीं, हो गई छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दिया, फाइनली सीधे अटैक मार दिया था इन पे, अपना तिरपाल निकाल रहे थे। ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो कैसे कर रहा है, नो नो जॉय नो 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 नो, कंट्रोल करना पड़ रहा है इसको गाइस, नहीं तो लग रहा है ये तोड़ तोड़ देगा तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तभी गुड नाइट वाली रात हो गई है गाइस, अभी खाना का टाइम हो गया डॉग्स का, तो देता हूँ खाना दोनों को, पहले रोलेक्स को देता हूँ, इसने तो खाना अपना वेस्ट ही किया पर फिर भी थोड़ा सा देना ही पड़ेगा इसको, बस नॉन वेज चाहिए, नॉर्मल सा खाना इसको अच्छा नहीं लगता है, देखो उधर वेस्ट किया है, कितना भी दही वगैरह दूध वगैरह दे दो इसको, तो बस एक चाहिए चिकन चाहिए। खैर अभी तो पूरी सावन इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, देता हूँ इसको खाना। तो यही था आज के ब्लॉग में गाइज, आशा आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग के साथ।